कुछ रीत जगत की ऐसी है। चलो झड़प रखवा नीचे भाव। कहाँ गए सब? नंदू, मितेश, काका, ये देखो, ये सही है। मुझे नहीं पहनना है ये। काका, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे बेटा, सुबह से चार बार तैयार हो चुका हूँ, लेकिन तेरी काकी माने तब ना। देख लो मेहुल बेटा, अरे ऐसी शर्ट पहनकर है ना, आजकल कोई खेत में भी नहीं जाता है। क्या बुराई है इन कपड़ों में, स्कूल पहन के भी यही जाता हूँ। बेटी के ससुराल जा रहे हो, हाँ, रिश्ता पक्का करने के लिए। पर कल आपके पास टाइम था ना, तो नई शर्ट ही खरीद के ले आते, पर नहीं। मामा, मामा, ये लीजिए मेरे जूते। आपके सैंडल घिस गए हैं ना, तो आप मेरे जूते पहन लीजिए। उठा, उठा ये जूते। नहीं पहनने मुझे, ले जा अंदर, अंदर। ये घिस गया, वो घिस गया, कुछ नहीं पहनूंगा मैं, बस अब। जो जो गुस्सो तो जो, हे भगवान, ढंग के एक जोड़ी जूता भी नहीं है और बेटी ब्याहने चले हैं। मैं तो क्या करूं, अभी शर्ट लेने जाऊं बाजार, जूते लेने जाऊं बाजार, हैं? वो राजकोट की बस वाला मेरे लिए रुकेगा क्या? मामा, आपने जो पहना है, जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। मामा के कपड़े भी ठीक है और उनकी सैंडल भी ठीक है। हमें किसी को कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। मामा, ये स्टील के डब्बे में मैंने सुखड़ी और खांडवी भरी है, ये ले जाइए। ए हाय हाय, ये पुराने स्टील के डब्बे में? अरे नहीं नहीं, कल ना बाजार से मैं दो नए अच्छे प्लास्टिक के डब्बे लेकर आई थी, उसमें दे दे। मामी, प्लास्टिक के डब्बे में खाना जल्दी खराब होता और पर्यावरण के लिए। बस बस बस, दोनों मामा भांजी का भाषण अभी मुझे नहीं सुनना, चलो। मामा, हाँ भाई चलो, मैं कब मना कर रहा हूँ, चलो 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 चलो, जल्दी। रुको रुको, मैंने भले माँ बनकर इसे पाला है, कि तूने तो अपना दूध पिलाया है इसे, तो सही मायने में तू ही इसकी माँ है, इसलिए इसे आशीर्वाद दे कि सब कुशल मंगल हो। क्या कर रहे हो? अरे शर्ट का बटन भी नहीं डाला है आपने। एक सेकंड, चलो एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, चलो। अरे एक मिनट एक मिनट, रुमाल लिया आपने? अरे हमने है भाई, रुमाल है सब, और पैसे का पैकेट। अरे मम्मी, मैंने दे दिया है, शांति। चलो चलो चलो, सब कुछ भूलना नहीं चाहिए ना, जल्दी आए। खड़ा रे, बस बस बस, चल भाई भाई भाई, काका बेटो, हाँ ठीक से जाना। हाँ बस, और मेहुल बेटा, मामा मामा का ध्यान रखना। चले भाई, बस स्टेशन चल। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ चलो, संभाल के जाओ, चल, चिंता मत करना। आप जो नंदू, नरेन जी, जी वो मामा जी और मेहुल भाई अभी अभी राजकोट के लिए निकले। वेरी गुड, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। नरेन जी, सब ठीक होगा ना? नंदिनी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। और मेरे बापूजी ना, मेरे बापूजी दुनिया के सबसे बेस्ट बापूजी हैं, और इस बात का एहसास मुझे कल रात ही हुआ है। आपकी हर बात पर भरोसा है मुझे। मैं आपका ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, मेरा ही आपसे वादा रहा नंदी। एक बार बात हो जाए तो फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, ओके? जी, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगी। बाय। सुनिए ना। सुनाइए। अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे नंदू कहा, बस अब आपकी जगह तुम बुलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसा आप, जैसा तुम।
बाय बाय। ये बस बस भाई बस। थैंक यू बापू। ये ले चल। काका चलो। मेहुल तेरी काकी ठीक कह रही थी, मुझे ढंग के कपड़े और जूते पहन के आने चाहिए थे। ये बेटा ये घर में रिश्ता करके हमने पॉजिटिव बात करो आप, ऐसे नेगेटिव बात मत करो है? बहुत पैसे वाले तो लग रहे पर अच्छा ही होगा ना। चलो कब से कौन बैल बजा रहा है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। ओ हम उपलेटा से आए। उपलेटा से आए? आइए आइए आइए। नन्नी के वहां से? हाँ। मामा जी आप? मेहुल। मेहुल मेहुल। कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं नहीं एकदम बस है ना तो थक गए लगता है। हाँ। अरे बैठिए बैठिए आप बैठिए। हाँ। आराम से आराम से आराम से। आप? मैं मोटा भाई का छोटा भाई। मेरा नाम विरल रतन से। अच्छा विरल भाई। विरल विरल भाई। वाह। ननका कितनी बार कहा है कि चंदा मांगने वाले को दरवाजे के बाहर से ही भगा दिया कर। नहीं नहीं वो भिखारी नहीं है, चंदा मांगने नहीं आए, उपलेटा से आए। ये नन्नी के मामा है और ये मेहुल। श्री कृष्ण। हेमराज सेठ। ये नंदिनी के मामा जी ईश्वर तांबरिया। जय श्री कृष्ण। और मैं मेहुल। अपनी तो फोन पे बात होती है ना? तो आप ईश्वर तांबरिया है जी? मुझे लगा कि ईश्वर वसंत जी। आपकी गैर समझ हो रही है सेठ जी। वो वसंत जी नंदिनी के पिताजी का सर नाम है और ये नंदिनी के मामा जी है उनका सरनेम तांबरिया है। और छोड़ो ना है, नाम में क्या रखा है वैसे भी है। हाँ हाँ एकदम बराबर बापू। सही कहा तुमने, नाम में क्या रखा है लेकिन सरनेम में बहुत कुछ रखा है। उससे कूल और खानदान का पता चलता है। वीरल भाई आपको? अरे भाभी ये नरेन की माँ। हाँ। हमारी भाभी। अरे अरे भाभी जी ये मामा जी नन्नी के और ये मेहुल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। आइए 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 बैठिए बैठिए आराम से बैठिए। एक मिनट। हेमराज शेठ मैं पराग बोल रहा हूँ। मुद्दे की बात कर। शेठ जो दो लोग हमें अपनी जमीन देने के लिए आनाकानी कर रहे थे ना उसमें से एक ने आज हाँ कर दिया। पर शेठ दूसरा वाला है ना वो आदर्शवादी बनकर बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो हमें अपनी जमीन देगा। क्या नाम है उसका? ईश्वर तांबरिया। शेठ मैं अभी उपलेटा में ही हूँ, मैं एक लास्ट टाइम उसे एक फाइनल ऑफर कर देखता हूँ। वापस आ जा, मैं सब देख लूंगा। जी सेठ। मेरी बाईडी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समता। तो ये है वो किसान जिसकी आइडियोलॉजी मेरे राजकोट के प्रोजेक्ट में रुकावट बन रही है। अरे मैंने नरेन के मुंह से नंदिनी के इतने बखान सुने हैं, इतने बखान सुने हैं कि नंदिनी ऐसी है वैसी है, बहुत सुंदर लड़की है और के अरे आप लोग बैठो ना। हाँ, हाँ, बैठो बैठिए बैठिए। हाँ, और ये पानी लो आप ही के लिए। जी धन्यवाद।
अभी बाहर धूप थी तो हम नींबू पानी पी के आए है ना, अब अभी पिया ने जी। हाँ हाँ, वाह महमूद, रीति रिवाज को अच्छी तरह जानते हो। समता ये लड़की वाले लोग हैं, हमारे घर का पानी तक नहीं पिएंगे। अरे अभी तो सिर्फ बात करने आए हैं, रिश्ता थोड़ी ना पक्का हुआ है। भाई साहब आप पानी पीजिए प्लीज। हाँ हाँ पानी पी लो, आज तो खाना वाना खा के जाना, एक बार शादी हो गई बाद में पता। नान का ये छोटे शहर के लोग हैं, इनकी यही बात तो मुझे पसंद है, चाहे धन दौलत हो या रीति रिवाज, अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। वैसे चंचल सही कहती है, आपको पानी पी लेना चाहिए, क्या पता रिश्ता हो या ना हो। वैसे दिखने में हम मॉडर्न जरूर है, लेकिन समाज के बनाए हुए संस्कार को अच्छी तरह फॉलो करते हैं। और आप समाज के मुकट जो है, इसलिए हम आप ही को तो फॉलो करते हैं कंप्लीट एकदम। मेहुल बहुत अच्छी बात करी तुमने, अब तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। अगर ये रिवाज की बात है तो हम इसे जरूर मानेंगे। लड़की वाले तो पानी भी नहीं पी सकते, लेकिन ये सुजान भाई, उसे तो खाने पे बुलाया है मोटा भाई ने, डबल ढोल की है दोनों। नरेन कुमार जी नहीं दिख रहे। होगा तो दिखाई देगा ना, क्या है हमारे घर में जब बड़े बात करते हैं तब छोटे वहां पर नहीं होते, और खास करके जब उसकी शादी की बात चल रही हो। वैसे आपके यहाँ क्या रिवाज है? हमारे यहाँ ना एक्चुअली नरेन बस बाहर जाने के लिए तैयार हो ही रहा। कुणाल, कुणाल, कुणाल बेटा जा नरेन भाई को बुला कर ला जल्दी। अभी जल्दी है, बस अभी आ जाएगा। अब तुम्हारी ये तस्वीर देखने के दिन गए नंदिनी, क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए मेरे इस घर में और मेरी नजरों के सामने होगी, क्योंकि आज हमारा रिश्ता पक्का हो जाएगा नंदू। वो तो हो ही जाएगा नरेन भाई, नंदिनी भाभी के घर वाले आए हैं। आ गए? हाँ। हट तो, क्या कर रहे? कहाँ जा रहे हैं नरेन भाई? मैं कम से कम एक वीडियो गेम तो डिजर्व करता ही हूँ। हाँ अच्छा बेटे, मौके का फायदा उठा रहे, ले लेना। थैंक यू। जाने दे, अब तो इस घर में पूरी न्यूज फैला कर आता हूँ। ये लीजिए, नरेन भी आ गया। मामा, मेहुल भाई। अरे अरे वाह, जय श्री कृष्ण। मेहुल भाई एकदम कंप्लीट। कैसे आप लोग? आप लोगों को आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना आने में? आप पानी वानी सब तक आके नाश्ता लगा ना? बन रहा है, बन रहा है। अच्छा प्लीज बैठिए ना मेहुल भाई, प्लीज हैव अ सीट। चार दिनों में कितना घुल मिल गया है आप लोगों के साथ, इतनी एक्साइटमेंट तो इसे अपनी फैमिली को देख कर कभी नहीं। वैसे मामा जी अब आप आए हैं ना, तो कम से कम 3-4 दिन रुक के जाइएगा, मैं भी बैठ जाता हूं। नरेन क्यों बैठ रहे हो, ऑफिस जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं ना। बापूजी मैं सोच रहा था कि अगर मैं आज। नहीं नरेन, तुम्हारा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, आज तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, और हम बड़े बात कर रहे हैं ना तो तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अरे बाप रे, इतना कड़क स्वभाव, यहाँ नंदिनी खुश तो रह पाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हें बिल्कुल ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मामा जी ठीक है, मैं ना आप लोगों से ऑफिस के बाद मिलता हूँ, आप लोग कहीं जाइएगा मत, ठीक है? नरेन तुम्हारी तरह थोड़ी है, एक दिन का कह के 4 दिन रुक गए वहां पर। हम निकल जाएंगे बेटा। मामा जी, मेहुल भाई जब आप लोग जाए ना तो मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा, तो मैं आपसे बस स्टैंड मिलने आ जाऊंगा। अरे बेटा लेकिन। अरे मामा जी, बस स्टैंड ना मेरे ऑफिस के पास में है, 2 मिनट लगेंगे मुझे आने में, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी आए मुझे फट से कॉल करिएगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ। ओके मिलता हूँ। हाँ बाय, जय श्री कृष्ण। अरे धवल काका, मैं भी आप लोगों के साथ ऑफिस चल रहा हूँ, 5 मिनट में। आ जा जी। ईश्वर भाई ये है रतन जी परिवार, आओ आओ सब आओ। ये है ईश्वर भाई नंदिनी के मामा, और ये मेहुल। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठ जाइए। ये नंदिनी ने आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा खांडवी बना के भेजी है। खांडवी ले, वो हमारे ऐसे चंचल भाभी जैसी कोई नहीं बनाता। भाभी ये तो एकदम आपकी जैसी दिख रही है और स्वाद में भी आपके जैसी ही है। आई हम तो हम लोग नंदिनी को डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना पाए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ उसे घर गृहस्थी चलाने के संस्कार और किचन चलाने का हुनर अपनी मामी से सीखा है, तो आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है ईश्वर। वसंत जी, डबल लखोटिया का 70 करोड़ का पेमेंट आ रहा है जी। माल उसे तभी देना जब पेमेंट पूरा आ जाए जी। और वो डायमंड जो है वो नरेन को दे देना चेक करने के लिए, क्योंकि डी क्वालिटी के हाई कैटेगरी के डायमंड है। और बाद में अशोक भाई को 10 करोड़ का पेमेंट देना है, वो चेक मैंने तैयार रखा अकाउंटेंट के पास, वो उसे दे देना। और वो नेकलेस डिजाइन उनको दे देना ताकि नए कैटलॉग में वो डाल सके, ठीक है। अनान का ये ऑफिस में क्या है? हमारे स्टाफ में एब्सेंस बहुत बढ़ रही है, ध्यान रखो तुम। बहनों की लिस्ट बनाकर रखी है उन्होंने। धवल काका चले चल। मेहुल भाई याद से कॉल कीजिएगा। मामा जी हाँ, बाय बाय। नरेन भाई जय श्री कृष्ण। बापू जी चलिए आइए। रौनक बेटा अच्छा हुआ तो आ गया। आजा तो मैं किसी से मिलवाती हूँ, नंदिनी के परिवार वाले आए। चल रौनक। ईश्वर भाई भीड़ कम हो गई, अब आराम से बातें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। सेठ जी घर तो देख ही लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नंदिनी बहुत खुश है। अरे नहीं नहीं ईश्वर भाई, जिस घर में शादी करके आपकी बेटी सॉरी आपकी भांजी आने वाली है, उस घर को देखना आपका फर्ज भी है और आपका हक भी है। आइए। मितेश मितेश देख, ये तब आएंगे ना तो उनको मेरे कमरे में भेज देना, तब तक मैं अलमारी में से गहने निकालती हूँ। ठीक छे मामी। अरे बाप रे, ज्वेलरी तो अलमारी में है ही नहीं। मामी कौन से गहने? नंदिनी की शादी के लिए जो गहने तुम्हारी नानी ने रखे थे ना, अरे वो कब से अलमारी में पड़े हैं? क्या ऐसे ही रखना है? अरे अब तो उसे तुड़वा के नए भी तो बनवाने हैं ना। हाँ मरी क्या, मामी ने अलमारी खोली और गहने नहीं मिले तो तूफान आ जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ। वेरी गुड नैना, अभी किसकी बुक चेक करेंगे? मेरा 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 मेरा, 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 मेरा। अच्छा मैं इनकी चेक करते हैं, चलो। वेरी गुड। गोट की स्पेलिंग नहीं आती? नहीं। गोट की स्पेलिंग क्या होती है? जी ओ ए टी। 10 बार लिखो। बुक दो। करेक्ट। एक मिनट हाँ। इस टाइम पे फोन करना जरूरी है, तुझे पता है ना मेरा ट्यूशन। अरे बहना ट्यूशन विशन छोड़ो, सीधा घर पर आ। मामी गहने निकालने के लिए अलमारी खोलने गई है।
गहने तो हमने बेच दिए, मामी निकालेगी क्या? पहना पुत, तुझे पता है, मुझे पता है और मामा को पता है, मामी को थोड़ी पता है। जरा सोच, मामी को पता चला तो क्या होगा? तू रुक अभी, मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी आओ। बच्चों, जो चैप्टर दिया है वो दो दो बार पढ़ लो और 1 बजे खुद चले जाना, ठीक है? मैं आती हूँ। कितनी अजीब बात है वैसे, कितनी दूर से आए हैं, भूखे होंगे, एक घूंट पानी तक नहीं पीने दिया है रस्मों के नाम पर। रस्म रिवाज सिर्फ गरीब लोगों के लिए होते हैं भाभी। बाकी सुजान भाई भी आई गए थे ना यहाँ दावत उड़ाने, क्या वो लड़की वाले नहीं थे? एक घर है, मेहमान भूखे प्यासे चले जाए और हम कर भी क्या सकते हैं? ले, क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे मायके वाले आते हैं तब हम कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, वही करेंगे। अरे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है ना? चल जल्दी से दूध गर्म कर। हाँ अभी करती हूँ, तू खड़ी क्या है, जल्दी कर, शक्कर दे मुझे हाथ में। नंदिनी दहेज के खिलाफ है। पता नहीं सेठ जी क्या करेंगे, कहीं रिवाज के चक्कर में फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.